mechanism of choice and under this mechanism of choice i am going to explain for you the third mechanism that is mostly utilized in today's world that is the mixed economy now the question comes why we are going to explain or select the mixed economy as we have studied before that there can be one version of the market structure and there can be one version of the government intervention but the government interventions, they are if excessively utilized, so they may have a capacity that they can not only increase the productivity, but sometimes increase in the productivity deals in that matter that it has a number of factors that reduce the productivity, means the cost of production that can be more. एट द कास्ट ऑफ़ मैनेजमेंट कैन बी मोर दैन द टोटल आउटपुट अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो हम कहेंगे कि कई दफ़ा कोई फैसिलिटी जिस काम के लिए शुरू की गई लेकिन उसको मैनेजमेंट करने में उसमें मसाइल इतने आ गए कि जो असल सूरत हाल थी फैसिलिटी की वो रड्यूस हो गई तो बहुत सारी गवर्मेंट की इंटरवेंशनस में ऐसे मसाइल की वजह से हम अगर इसको कहें तो हम इसको गर्मेंट फेलियर कहते हैं और उसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्स में अगर अक्यूमलेशन ऑफ वेल्थ या पावर हो जाए और उसमें कुछ फैक्टर्स और या सेक्टर जो हैं वो ज़्यादा पावर ले जाएँ जैसे हम कहते हैं मोनोपली हो सकती है और उस मोनोपली की फॉर्म में लोग कुछ रिसोर्सिस को होल्ड कर सकते हैं या इसकी फॉर्म में अगर वो एक्सेसिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं तो एक्सटर्नैलिटीज के ऑस्पेक्ट्स आ तो इन दोनों इश्यूज को ओवरकम करने के लिए अब बेस्ट मेथड कि हम दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इकट्ठा लेके चलें तो दैट कैन बी द मिक्स्ड इकोनॉमी और द मिक्स्ड मेथड अब इससे में क्या किया जाता है कि सर्टन फोर्सेस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर दे आर अलाउड टू वर्क एज ए सेल्फ करेक्टिंग मेयर्स इंडिपेंडेंटली दे विल बी अलाउड टू वर्क बट अंडर सर्टन रूल्स सर्टन अंडर रेगुलेशन तो ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाएगी अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत हर शख्स को एंट्री की परमिशन नहीं होगी बल्कि उसके लिए कुछ प्री रेकट्स बनाए जाएंगे। जो भी इदारे या जो भी अशास उस प्री रेकोजिट्स को या उन बुनियादी हकाइक़ को मुकम्मल करेंगे पूरा करेंगे तो वही मार्केट में आके काम कर सकेंगे और उसके बाद भी उन्हें अपनी तिजारत का अपनी पैदावार का और अपनी आमदन के गोशवारों का हिसाब किताब देना होगा और यह भी बताना होगा कि वो एनवायरमेंट को सोसाइटी को सोशल स्ट्रक्चर्स को कितना अफेक्ट कर रहे हैं अगर अब हम यहाँ पे कहें तो एक बड़ी सादा सी मैं मिसाल आपके सामने रखूँगी कि अगर किसी शख्स को कहीं पर ट्यूबवेल या कुआँ लगाने की परमिशन है तो ये उसका हक है कि वो लगा सके लेकिन वो उसमें से इतनी एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ वाटर ना करे कि जो उसके इर्द गिर्द के हमसाया ज़िम्मेदार हैं उनकी ज़मीन का वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाए तो इन हक़ाक़ को देखते हुए जो सोशल फॉर्म्स और सोशल स्ट्रक्चर्स की देखभाल के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाएगी जो मार्केट फोर्सेस में काम करने वाले एजेंट्स को फॉलो करने होंगे और इसमें अगर हम बेसिक देखें तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो यहाँ पे होगा कि गवर्नमेंट इक्वलिटी इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करना चाहती है या दूसरे अल्फाज में हम कहें कि जो हमारे पास तलब व रसद को मुकम्मल करने के बाद सरमाया हाथ में उन लोगों के या इनकम आती है या एसेट्स आते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को उसकी तकसीम को एक मुनफाना तरीके से रखा जाए ताकि ऐसा ना हो कि पूरी इकोनॉमी में से सिर्फ़ कुछ लोग ही उस सरमाए के ऊपर काबज़ हो जाएं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक्स को ग्रो करने के लिए डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाए और उसके लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करें तो ये मिक्स स्ट्रक्चर आजकल हमारे बहुत से जो हैं इसे लेकर चल रहे हैं और ये हमारे लिए इंतई फिज़िबल पाया जाता है